हेलो गाइस, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक अपडेट देने वाला हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, और ये अपडेट निकल कर सामने आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के साइड से। तो क्या कुछ अपडेट होने वाला है, ये सब हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। इसमें दो न्यू अपडेट आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहला अपडेट, ओला की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। कितना अमाउंट से बुकिंग इसका स्टार्ट हुआ है और कैसे बुक कर सकते हैं, इसके बारे में भी आगे जानने वाले हैं। सेकेंड अपडेट है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है उसका दो और न्यू कलर को स्पॉट आउट किया गया है, उसको टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से दो न्यू कलर को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो कि है बुकिंग का, तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग आज से स्टार्ट कर दी गई है। 15 जुलाई 2021 से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग को स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके लिए आपको सिर्फ 499 मतलब आपको 500 रुपये दे के आप इसको बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओला इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट क्लिक करके रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने भी ये करके देखा है कि क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व 4999 देखने को मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना होगा। मेरे में यहाँ पे कुछ क्या प्रॉब्लम आ रहा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया फिर भी यहाँ मुझे कैप्चा फिल करने का कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको कुछ डिटेल्स मांगा जा सकता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है इसमें आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और किस सिटी से है, ये सारा कुछ डिटेल्स सामने आपको देखने को मिलने वाला है। बट मेरे में ये अभी ओपन नहीं हो रहा, क्या रीज़न है इसका मुझे अभी पता नहीं चल पाया है। पहले इसके लिए आपको सबसे पहले जहाँ तक है कि अकाउंट बनाना होगा। मैंने इस पर अकाउंट बना लिया, उसके बाद भी मुझे ये इशू फेस हो रहा है। बट मैंने इसका एक आगे का प्रोसेस जानने के लिए मैंने इंस्टाग्राम से एक फ़ोटो को क्लिक किया, वो आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है कि क्या कुछ इसमें आपको ये फिल करने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे ही करके आप इसको बुक कर सकते हैं। वहीं अगर सेकंड अपडेट की बात करें कि इसका जो ओला का जो कलर वेरिएंट स्पॉट आउट किया गया है, उसमें दो न्यू कलर को इसमें देखा गया है। पहला जो ट्रेलर में आपने देखा होगा कि इसमें ब्लैक कलर में स्कूटर को दिखाया गया है, बट जो और भी स्टूडियो के जो और एक कलर उसमें शो हुआ था जो वाइट। तो अभी तक हमने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के दो कलर को देखा था, वाइट और ब्लैक को, बट आज और दो कलर को स्पॉट आउट किया गया है, जिसमें से एक है पिंक कलर और एक है ब्लू कलर। इसका मतलब अब हमें ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर चार कलर ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। वहीं इसके लॉन्चिंग की बात करें तो उम्मीद ये लगा जा रहा है कि अगस्त तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इसका बुकिंग स्टार्ट हो गया और फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, तो काफ़ी सारी जो बाइक कंपनी है वो अगस्त से ही बाइक को लॉन्च करने या स्कूटर को लॉन्च करने स्टार्ट कर देती है। तो इसका भी उम्मीद यही लगा जा रहा है कि अगले महीने तक ये इस बाइक को लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं इसका एस्टिमेट प्राइस की बात करें तो इसका एस्टिमेट प्राइस 1 लाख के अंदर होने वाला है। तो यही कुछ अपडेट अभी फ़िलहाल मिला हुआ है, और जैसे ही इसका कुछ और भी अपडेट मिलता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही बाइक रिलेटेड, स्कूटर रिलेटेड न्यूज़ के लिए आप मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।